जहां पर उत्तर प्रदेश के युवा नेता और रक्षा मंत्री के सुपुत्र नीरज सिंह ने घोसी के उपचुनाव में आने वाले परिणामों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य चल रहा है, साथ ही बीजेपी भारी बहुमत से जीतने वाली है। संगठन समय समय पर इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जोड़ने का काम कर रही, जनता के लिए ही सारी योजनाएं हैं जो अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करते हुए सरकार ने बनाई हैं। यह कार्यक्रम कहीं ना कहीं जनता को जागरूक करती है और उन तक संदेश पहुंचाने काम करती है कि सभी संगठित होकर जब 25 करोड़ की उत्तर प्रदेश की जनता एक लक्ष्य एक सपना लेकर आगे चलेगी तो उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से भारत में अपना मान सम्मान पुनः वापस प्राप्त कर